हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग फीचर इंजीनियरिंग में आज एक नया चीज स्टार्ट करेंगे। इट्स फीचर कंस्ट्रक्शन एंड फीचर स्प्लिटिंग। सो आई विल शेयर द स्क्रीन एंड लेट्स डिस्कस कि इसमें क्या पढ़ना है। सो इफ यू रिमेम्बर, जब हमने फीचर इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था, उस वीडियो में मैंने आपको अलग अलग टाइप्स बताए थे फीचर इंजीनियरिंग के। ये डायग्राम शायद आपको याद होगा। हमने डिस्कस किया था कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। So there is feature transformation, feature construction, feature selection and feature extraction, ठीक है? So अभी तक हमने जितने भी videos देखे, उन सभी में हम लोग feature transformation के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है? हमने missing value imputation किया, categorical data को कैसे handle करना है वो सीखा, outlier detection and removal सीखा और finally feature scaling भी किया, ठीक है? ये सब कुछ feature transformation के अंदर आता है। अब हम लोग इस नए टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, विच इज फीचर कंस्ट्रक्शन, जहां पे आप अपने गिवन फीचर्स से मैन्युअली नए फीचर्स क्रिएट करते हो, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पे हम फीचर स्प्लिटिंग भी सीखेंगे। मतलब आपके ऑलरेडी जो फीचर्स हैं उनको स्प्लिट करके नए फीचर्स बनाना, वो भी हम आज के वीडियो में सीखेंगे, ठीक है? तो ये छोटा सा टॉपिक है फीचर कंस्ट्रक्शन, टू बी ऑनेस्ट, बस आज के वीडियो में कवर हो जाएगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू दिस पार्ट, ठीक है? फीचर एक्सट्रैक्शन एंड फीचर सिलेक्शन, ठीक है, वो आगे के वीडियोस में। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मूव टू द नोटबुक फॉर टुडेज लेक्चर। सो व्हाट इज फीचर कंस्ट्रक्शन? सी, फीचर कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ थिंग इन फीचर इंजीनियरिंग। अभी तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी उसमें एक प्रोसेस होता था, एक तरीका होता था चीजों को करने का। फीचर कंस्ट्रक्शन इज thoroughly manual. इसका मतलब क्या है कि there is no process. आपको खुद से सोचना है, डिसाइड करना है और फीचर्स को क्रिएट करना है, ठीक है? मतलब यहाँ पे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको अपने इंट्यूशन के बेसिस पे, अपने डोमेन नॉलेज के बेसिस पे ये काम करना पड़ेगा, ठीक है? सो मैं आपको आज एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाऊंगा। सो आई विल बी यूजिंग द टाइटैनिक डेटा सेट। टाइटैनिक डेटा सेट में What I will do is, वहां पे दो कॉलम्स होते हैं, सिबलिंग स्पाउस एंड पेरेंट चाइल्ड, ठीक है? What I will do is, इन दोनों कॉलम्स को यूज करके मैं फैमिली टाइप बोल के एक नया कॉलम बनाऊंगा, जहां पे 0, 1 या 2 वैल्यूज होंगी। 0 का मतलब अकेला बंदा ट्रेवल कर रहा है, देर इज नो फैमिली। 1 का मतलब उस फैमिली में 1 से लेके 4 के बीच में लोग हैं, इट मींस इट्स अ स्मॉल फैमिली। और 2 का मतलब इट्स अ लार्ज फैमिली, मोर देन 4 पीपल। एंड आई वुड आल्सो शो यू कि जैसे आप ये फीचर कंस्ट्रक्शन करोगे, आपका मॉडल का जो रिजल्ट है वो थोड़ा इंप्रूव कर जाता है, ठीक है? तो अगेन, इट्स वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन द डेटा दैट यू आर वर्किंग अपॉन, और उससे भी ज्यादा आपका डोमेन नॉलेज मैटर करता है कि आपको कितना समझ है उस डेटा का, ठीक है? और उसके बाद एक्सपीरियंस, आप जितना डेटा के ऊपर काम करते जाओगे, फीचर कंस्ट्रक्शन उतना इजी होता जाता है। एज अ बिगिनर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज आपको समझ में नहीं आता है कि कब कौन सा फीचर से कौन सा फीचर क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है? तो एनीवेज, आज की वीडियो से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। फ्यूचर में आपको बस सोचना है कि कैन आई यूज फीचर कंस्ट्रक्शन और नॉट, ठीक है? एंड द सेकंड थिंग दैट वी विल डू टुडे इज फीचर स्प्लिटिंग। सो कभी कभी क्या होता है कि आपके सेम डेटा में, एज इन सेम कॉलम के अंदर जो डेटा होता है वो टाइडी डेटा नहीं होता। सो व्हाट डू आई मीन बाय टाइडी डेटा? सो टाइडी डेटा का मतलब होता है कि आपका एक ऑब्जर्वेशन एक रो में है और हर रो के हर कॉलम में एटॉमिक वैल्यूज हैं, एक से ज्यादा चीजें एक जगह पे नहीं डाली हुई हैं, ठीक है? तो कभी कभी आपको ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे जहां पे आपका डेटा टाइडी नहीं है, मतलब एक सिंगल सेल में एक से ज्यादा डेटा ठूसा हुआ है, तो उसमें ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने में वो इजी नहीं रहता। तो उस तरह के सिनेरियोज में आप फीचर स्प्लिटिंग करते हो, जो 2-3 वैल्यूज एक सिंगल सेल में उसको अलग कर देते हो, ठीक है? आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जैसे कि आपका नेम कॉलम होता है टाइटैनिक में, मैं आज आपको यही एग्जांपल दिखाऊंगा, वहां पे लिखा होगा मिस्टर अंकित, ठीक है? अब ये जो मिस्टर है ये सैल्यूटेशन है और अंकित जो है ये नेम है, तो एक्चुअली 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक सिंगल सेल में है। तो आप क्या करोगे, इससे 2 कॉलम्स बना लोगे, एक जहां पे आप ये मिस्टर वर्ड डालोगे और दूसरा जिसमें आप अंकित रखोगे, ठीक है? एंड यू वुड सी कि ये सैल्यूटेशन अलग करने से आपके मॉडल पे इंपैक्ट पड़ता है,
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फीचर स्प्लिटिंग, और ये और भी कई सिनेरियोज में आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें मैं आपको एक कोड के थ्रू समझाता हूँ और होपफुली आपको सब समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई विल गो बैक टू जुपिटर नोटबुक। मैंने सारे इम्पोर्ट्स ले लिए हैं, दिस इज माई टाइटैनिक का डेटा सेट। मैंने सारे कॉलम्स इम्पोर्ट ना करके बस ये पांच कॉलम्स इम्पोर्ट किए हैं, जिसमें से चार इनपुट कॉलम है और सर्वाइव्ड हमारा आउटपुट कॉलम है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैं आपको पहले बाय द वे फीचर कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ, तो मैंने पहले सिंपली इस मॉडल को ट्रेन कर लिया, मतलब इस मॉडल इस डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन करके रिजल्ट निकाला। ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे एज में मिसिंग डेटा है, मैंने सारा डेटा ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक्स और वाई सेपरेट कर लिया, ये रहा मेरा एक्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रॉसवेल स्कोर लगाया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिदम को यूज करके अपना एक्स और वाई भेजा और क्रॉस वैलिडेशन 20 टाइम्स किया। सो दिस इज द स्कोर दैट आई एम गेटिंग, 69% एक्यूरेसी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फीचर कंस्ट्रक्शन लगा रहा हूँ। सो फीचर कंस्ट्रक्शन में व्हाट आई एम डूइंग इज, सबसे पहले मैं इन दोनों कॉलम्स का वैल्यू को जोड़ करके एक नया कॉलम बना रहा हूँ फैमिली साइज बोल के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों कॉलम्स को जोड़ दिया और प्लस वन इसलिए ऐड किया क्योंकि मैं उस पैसेंजर को भी फैमिली काउंट में ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा नया कॉलम बन गया फैमिली साइज। सो यू कैन सी दिस, ये रहा मेरा फैमिली साइज कॉलम। ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पे वन प्लस जीरो वन हो गया और प्लस वन वन करने पे ये टू हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक्स में चेंजेस आ गए। अब मैंने एक नया फंक्शन बनाया जिसको अगर आप फैमिली साइज प्रोवाइड करो तो वो कंडीशनली आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है। अगर नंबर का वैल्यू वन है, मतलब बंदा अकेला ट्रैवल कर रहा है, आई विल रिटर्न जीरो। अगर नंबर का वैल्यू इज ग्रेटर देन वन बट लेस देन इक्वल टू फोर, इसका मतलब ये स्मॉल फैमिली है, आई विल रिटर्न वन, और एल्स उससे ज्यादा मतलब लार्ज फैमिली है, आई विल रिटर्न टू। ठीक है, और बस इतना करने के बाद मैंने अप्लाई फंक्शन को कॉल करके ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया और अब यू कैन सी कि मेरे डेटा में आई हैव गॉट दीज कॉलम्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली मुझे पी क्लास, सिबलिंग स्पाउस और फैमिली साइज, इन तीनों कॉलम्स की जरूरत नहीं है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉप दीज थ्री कॉलम्स लाइक दिस, और अब मेरे पास जो एक्स हेड है वो ये रहा। सो आई हैव गॉट एज, आई हैव गॉट पी क्लास एंड फैमिली टाइप। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, सेम काम, मैंने फिर से क्रॉसवेल स्कोर लगाया लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करके, एंड यू कैन सी मेरा थोड़ा सा एक्यूरेसी इम्प्रूव कर गया। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है जहां पर मैंने आपको दिखाया कि फीचर कंस्ट्रक्शन कैन बी यूजफुल। तो आगे से आप कभी भी अगर किसी डेटा किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखना कि कैन आई यूज फीचर कंस्ट्रक्शन, कैन आई क्रिएट अ न्यू एंड यूजफुल फीचर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल फीचर कंस्ट्रक्शन का। नाउ आई विल मूव ऑन टू फीचर स्प्लिटिंग। ठीक है, सो फीचर स्प्लिटिंग में मैंने फिर से टाइटैनिक वाला डेटा पूरा इंपोर्ट किया इस बारी। सो दिस इज द एंटायर डेटा, और इस बार मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ नेम वाले कॉलम पे। सो अगर आप नेम वाले कॉलम पे फोकस करो, यू वुड सी कि हमारे पास सारे पैसेंजर्स का नेम है और वो इस तरीके से है कि शुरू में आपका सरनेम है, देन देयर इज अ कॉमा, फिर ये सैल्यूटेशन होता है और फिर नाम आ रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये सैल्यूटेशन को बाहर निकालना है। कैसे, उसके लिए मैंने ये कोड लिखा कि मैंने नेम के ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर स्प्लिट मारा इस चीज के ऊपर। ठीक है, और इससे मुझे दो चीजें मिलेंगी, कॉमा के पहले वाली चीज, कॉमा के बाद वाली चीज। मैंने बाद वाली चीज को एक्सट्रैक्ट कर लिया। इनफैक्ट चलो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। सो अगर मैं ये इसको कॉपी कर लूं और यहां पर डालूं, सो यू वुड सी कि जब आप स्प्लिट मारते हो तो आपको दो चीजें मिलती है, आपका कॉमा के पहले वाली चीज और कॉमा के बाद वाली चीज। सो मैंने कॉमा के बाद वाली चीज को एक्सट्रैक्ट कर लिया लाइक दिस। ठीक है, ये कॉमा की बाद वाली चीज। अब इसके ऊपर मैंने फिर से ये लगाया कि मुझे डॉट के ऊपर स्प्लिट करके दिखाओ, तो ये रिजल्ट आया। सी, ये रिजल्ट आया, जीरो वन और टू में डिवाइड हो गया, और फिर जब मैंने उसका भी जीरो निकाला तो मुझे वो सैल्यूटेशन मिल गया, विच इज मिस्टर, मिसेस, मिस, ये सब कुछ हर पैसेंजर के लिए मिल गया, और मैंने उसको एक नए कॉलम में स्टोर कर दिया बाय द नेम ऑफ टाइटल। अब गुड पार्ट इज कि आप इस टाइटल को यूज करके, बाय द वे ये रहा हमारा आउटपुट हमारे पास। ओके, मैंने रन नहीं किया शायद,
आई विल रन इट वन मोर टाइम, और इफ आई रन इट नाउ, या सो ये देखो, ये रहा हमारे पास हर पैसेंजर का जो टाइटल है, ठीक है। अब अगर आप इसके ऊपर एनालिसिस करो तो आपको कई यूजफुल चीजें मिल सकती हैं। जैसे मैंने जब इसके ऊपर एनालिसिस किया तो आई फाउंड आउट कि कुछ पर्टिकुलर टाइटल्स में, जैसे कि मिसेस और मिस और मास्टर में, सर्वाइवल रेट बहुत हाई है। एज इन ये सब तो बहुत कम थे, द काउंटेस, एमएलएलई, ये तो सब स्पेलिंग मिस्टेक है, लेडी, मिस, ये सब बहुत कम थे नंबर में, बट ये सब मिसेस, मिस, मास्टर, मेजर, ये सब ज्यादा थे। तो इनमें यू कैन सी, जैसे मिसेस मतलब मैरिड विमेन में सबसे हाई सर्वाइवल रेट है, लाइक 79% का, ठीक है। सिमिलरली मिस, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, उनमें भी सर्वाइवल रेट इज समवेयर अराउंड 70%, ठीक है। तो ये भी आपको एक बहुत बढ़िया नया कॉलम मिल रहा है जिससे आप एनालिसिस को और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ के क्या किया, एक नया कॉलम बना लिया इज मैरिड बोल के, जिसका इनिशियल वैल्यू जीरो था, और फिर मैंने ये लॉजिक लगा दिया कि अगर टाइटल का वैल्यू मिसेज है तो इज मैरिड का वैल्यू वन कर दो। और ये करने से भी मुझे एक नया कॉलम मिल गया। इसके ऊपर मैंने एनालिसिस रन करके नहीं देखा, बट ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया कि आप इस तरीके से और नए कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट, आप क्या करो इस वीडियो के बाद, कोई अपना फेवरेट डेटा सेट उठाओ और उसके ऊपर फीचर कंस्ट्रक्शन अप्लाई करने का ट्राई करो, ठीक है। इट कुड बी आईपीएल डेटा सेट, जहां पे आप हर बैट्समैन के लिए आई डोंट नो स्ट्राइक रेट फीचर क्रिएट कर रहे हो, या बॉलर के लिए इकोनॉमी फीचर क्रिएट कर रहे हो, और इट कुड बी एनी अदर डेटा सेट जहां पे आप अपने डोमेन नॉलेज को यूज करके कोई नया फीचर क्रिएट कर रहे हो, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एनालिसिस, ठीक है। तो बहुत काम की चीज है, इट्स जस्ट कि बहुत इंट्यूटिव है, तो तुरंत समझ में नहीं आता कैसे यूज करना है, बट आई कैन गारंटी यू जितना आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे उतना आप इस चीज में इंप्रूव करते जाते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, नाउ वी आर डन विथ फीचर कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, सो वी आर गोइंग टू मूव इन टू फीचर एक्सट्रैक्शन नाउ, ओके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।